हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल पंजाबी चटकारे। मैं रेनू नरूला। तो आज हम एक बढ़िया सा नाश्ता बनाएंगे जो मिनटों में बन जाता है और सबको पसंद आता है। तो आइए मेरे किचन में, देखिए हम कौन सा नाश्ता बनाने जा रहे हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का पराठा, पंजाबियों की पसंद, सबकी पसंद, जो बच्चे बड़ो को सबको पसंद आता है। तो जैसे भी हम पराठे का स्टफ पराठे का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमें आलू का पराठा ही सब पसंद करते हैं कि आलू का पराठा बना लेते हैं। तो आलू के पराठे बनाने के लिए मैंने ये तीन आलू लिए हैं जो पंजाबी मसालों के साथ हम बनाएंगे आज। थोड़ा सा हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च, थोड़ा सा कुटा हुआ ये मैंने धनिया लिया है, ये जब मुँह में आता है तो अच्छा लगता है। बाकी मसाले हम अपना नमक मिलाएंगे, थोड़ी कुटी हुई लाल मिर्च मिलाएंगे, थोड़ी सी काली मिर्च, गरम मसाला और जीरा। तो आइए हम आलू के पराठे की, सबसे पहले हम आटा गूंथते हैं, बाकी बातें चीज़ें बाद में हम आपको बताते हैं। तो हम सबसे पहले आटा गूंथ रहे हैं। तो ये मैंने आटा ले लिया है, इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। अब आटे को अच्छा सा डो लगाएंगे, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ही ज़्यादा हमने टाइट लगाना है, बिल्कुल पराठा उससे हमारा जो है अच्छी तरह बनेगा। थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मलेंगे हम। ये मैंने दो कटोरी आटा लिया है, आप अपने हिसाब से, आपको ज़्यादा चाहिए ज़्यादा, नहीं तो थोड़ा चाहिए थोड़ा आप लगा सकते हैं। ये आटा हमारा गूंथ चुका है अच्छी तरह से, ये बिल्कुल ना सॉफ्ट है ना ही ज़्यादा टाइट है, क्योंकि पराठों के लिए इसी तरह से, नहीं तो अगर टाइट गूंदेंगे तो हमारी स्टफिंग निकलेगी। अब इससे हम 10 से 15 मिनट रेस्ट देंगे। अब हम अपना मसाला बनाते हैं आगे। तो आटा हमारा गूंथ चुका है, अब हमने आलू ले लिए हैं। आलू ये हमारे पास तीन आलू हैं। अब मसाला अपनी क्वांटिटी जितनी भी है उस हिसाब से बना लेते हैं। सबसे पहले आलू को अच्छी तरह से हम मैश करेंगे। तो ये आलू हमारे अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं, अब हम इसमें अपने मसाले मिलाएंगे। तो ये है मेरे पास हरी मिर्च, आप तीखा जितना भी खाना चाहें उस हिसाब से कर सकते हैं, हरा धनिया, थोड़ी सी अदरक, अगर जिनको मुंह में अच्छी लगती है कि आए वो डालें, और जिनको नहीं लगता कि हमें अदरक आनी चाहिए मुंह में तो वो इसको छोड़ भी सकते हैं। थोड़ा सा क्रश धनिया, ये भी मुंह में आए तो अच्छा लगता है। अब हमने इसमें थोड़ा सा भुना जीरा डालेंगे। अब इसमें हम अपना बाकी मसाले मिलाएंगे, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा गरम मसाला आधा चम्मच, थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे आधा चम्मच छोटी, ये हमारी कोटी लाल मिर्च है ये डालेंगे हम। बाकी इसमें हम थोड़ा सा खट्टा करेंगे इसको, हम थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालेंगे, आप नहीं डालना चाहे तो ये इसको भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन अच्छा लगेगा। और अच्छी तरह से मसालों को हम मिला लेते हैं। आप मसाला देखेंगे इससे काफ़ी अच्छा आपका तैयार हो जाएगा। इसके बाद मैं अपना थोड़ा सा इसमें देसी घी डालूंगी, आपको ऊपर लगाने की जरूरत नहीं, आपको अंदर हम पराठे के अंदर ही डालेंगे, इसी में मिक्स करेंगे, इससे पराठा जो है आपका बहुत ही खस्ता डलेगा। ये दो छोटी चम्मच मैं देसी घी डाल रही हूँ। अब मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम बनाते हैं अपने पराठा मज़ेदार सा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दो तरह से पराठे, जिसके लिए हम एक तो हम बनाएंगे एक सादा बिल्कुल पराठा जो से थोड़ा पेड़ा भारी लेंगे उसके लिए हम, और एक पराठा बनाएंगे जो दो छोटी छोटी लोइयां लेने के लिए, उसके हम दो छोटी छोटी लोइयां लेंगे, उसको डबल रोटी बना के डबल बनाएंगे। तो ये हमने थोड़ा सा भारी पेड़ा ले लिया है, और उसके लिए जो दूसरा पराठा हमने बनाना है उसके लिए हम थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी लोइयां लेंगे और दो रोटियाँ बेल के इसका हम पराठा बनाएंगे। तो इस तरह से, तो पहले मैं छोटे छोटे वाला बना लेती हूँ। इसको बेल के रख लेते हैं।
इस तरह से दो रोटियां ले लेंगे। पूरी बड़ी रोटी बेल लेंगे अच्छी तरह से हम। तो ये मैं थोड़ा सा प्लेट पे डस्ट कर लेती हूँ आटे को, और एक रोटी को इस तरह से रख लेते हैं, दूसरी रोटी भी इसी तरह से बेल लेते हैं। एक ही साइज की दोनों को बेलना आपने। ये देखिए दूसरी भी एक ही साइज की बेल गई है दोनों। अब इसके अंदर, अब कई बार हम लोग इसमें अंदर घी लगाते हैं, लेकिन मैंने घी इसी में डाल दिया मसाले में। अब मसाले को भी आप चख के देख सकते हैं कि आपका नमक मिर्च जो है पूरा प्रॉपर है। अब पंजाबियों का मसाला तो ज़्यादा होना चाहिए, तो इसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा मसाला डालूंगी, और इसको अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे इसको मसाले को। मसाला है पंजाबियों का मसाला जो है, जब तक आलू का पराठा या कोई भी मसाला भर के ना डालें हम, तो मज़ा नहीं आता पराठे का। ये मसाला मैंने अच्छी तरह स्प्रेड कर लिया है। दूसरी रोटी को आप इसी के ऊपर रखेंगे हम, और इसको अच्छी तरह से दबाएंगे। इस तरह से हल्का सा आटा लगाएंगे इसके ऊपर। तवा हमने गर्म करने रख दिया अपना। हल्का हल्का दबाएंगे इसको, बस बेलेंगे, और ये पराठा हमारा तैयार है। अब तवे पे मैं थोड़ा सा घी लगा लेती हूँ, ताकि तवा जो पराठा है अच्छी तरह से क्रिस्पी और सिके। इस तरह से आटा, इस तरह से जो पराठा बनाएंगे तो आपका जो पराठा है फटेगा नहीं। वैसे तो दूसरा भी नहीं फटेगा, आपको मैं बताती हूँ, लेकिन कई बारी आप ये भी देखिए, जब हमारे आलू उबलते हैं तो आलू के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, आलू को फटना नहीं चाहिए, आलू गलने जरूर चाहिए। आपने देखा होगा मेरे आलू गल चुके हैं, लेकिन फटे नहीं हैं बिल्कुल भी। अब मैं दूसरा भी ले लेती हूँ, इस तरह से आटा बेल लेती हूँ। जो पेड़ा अपना, ये मैंने भारी पेड़ा लिया थोड़ा सा। जब तक मेरा पराठा सिकता है, मैं दूसरा पराठा भी बेल लेती हूँ इसी तरह से। इसके लिए आप थोड़ा सा भारी पेड़ा लीजिए, बिस्क में भी स्टफिंग वो अच्छी तरह से भरेंगे हम, क्योंकि जब तक स्टफिंग ना हो तब तक पराठे का मज़ा नहीं आता बिल्कुल। सेंटर, इसको सेंटर में रखेंगे, इसको स्प्रेड करने की जरूरत नहीं है, और धीरे धीरे हाथ से सारी साइडें हम अच्छी तरह से बंद करेंगे इसको, और इसको सेंटर में करके अच्छी तरह से इसको गोल गोल घुमा के दबा देंगे। अब आटा लगाएंगे इसको, थोड़ा सा हल्का सा दबाएंगे, और अच्छी तरह से इसको बेलेंगे धीरे धीरे घुमाते हुए। और ये हमारा दूसरा पेड़ा भी पराठा तैयार है। ये हमारा सूख चुका है, इसको हम पलट देते हैं। घी लगाएंगे एक साइड में, एक साइड पलट देंगे इसको। दूसरी साइड में मीडियम आग को मीडियम रखिए, ताकि हमारा पराठा जो है अच्छी तरह से सिक जाए। दूसरी साइड में भी घी लगाएंगे। दोनों साइड से अच्छा सा करारा सा बनाते हुए पराठे को सेकेंगे हम, दबा दबा के। ये
ये हमारे दोनों साइड से पक चुके हैं, निकाल लेते हैं। इसमें ये अच्छा लगता है, इसकी जो परत खुलती है ना पराठे की, बहुत अच्छा लगता है इसका। दूसरा पराठा भी इसी तरह से पका लेते हैं, गैस को हल्की कर लेते हैं थोड़ी सी, और दोनों पराठों को सर्व करेंगे गर्मा गर्म। पराठे में जो आप मज़ा लेना चाहें पराठे का, तो आप यही है कि इसमें मसाला, जो भी आलू का मसाला, एक भी किसी भी चीज़ का मसाला हम बनाते हैं, तो अच्छी तरह से फिल होना चाहिए, ताकि आपका जो पराठा है उसका स्वाद अच्छी तरह से ले सकें। दूसरा पराठा भी हम दूसरी साइड, एक साइड सीख चुके हैं, दूसरी साइड पलट लेते हैं। दोनों साइड से हल्का हल्का इस तरह से पकाएंगे। ये देखिए हमारे दोनों तरफ के पराठे तैयार हैं। इस तरह से आप ये मसाला देखिए कितना अच्छा है, और ये दूसरा वाला भी काफ़ी सॉफ्ट है। ये देखिए ऐसे आप मक्खन के साथ, ठंडी ठंडी दही के साथ आप इसको इंजॉय कीजिए। अगर आप इस तरह से पराठे बनाएंगे, मेन पराठों का यही होता है कि हमारा मसाला अच्छी तरह से तैयार हो, उसमें नमक मिर्च वगैरह जो है प्रॉपर है, तो ही मसाले जो पराठा है उसका स्वाद आ जाता है। इस तरह से आप अपने पराठे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।